हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बाइनेंस एपीआई को एक्सेल के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीएनबी यूएसडीटी का प्राइस है जो येलो कलर में दिख रहा है आपको। और यहाँ पर बाइनेंस का मैंने वेबसाइट ओपन करा है, तो वहाँ पर जो प्राइस आ रहा है वही प्राइस यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 सेकंड लेट आ रहा है। तो यहाँ पर आप बाइनेंस एपीआई की मदद से लाइव प्राइस एक्सेल में ला सकते हैं, और इसी एक्सेल की मदद से आप बाई और सेल भी कर सकते हैं, और अपने वॉलेट का डेटा भी यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पर सेकंड आपको डेटा मिल रहा है। हमारे पास यूएसडीटी और बीएनबी कॉइन इन दोनों का होल्डिंग है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलो मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ एक्सेल से कैसे ऑर्डर प्लेस करें। तो मैं सबसे पहले आपको डोज कॉइन का ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम डोज यूएसडीटी ले लेते हैं, और नीचे यहाँ पर ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बाय और सेल जो सीट है वहाँ पर आ जाना है। उसमें आपको सिंबल नेम दे देना है, जैसे कि BTC USDT। जैसे ही आप यहाँ पर नेम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट प्राइस जो है वो मिल जाएगा, जो हम यहाँ से फॉर्मूला की मदद से लाए हैं। तो डोज कॉइन में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर के यहाँ पर 3 टाइप है, मार्केट टाइप, लिमिट टाइप और ओसीओ ऑर्डर। सबसे पहले हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। यहाँ पर आप ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं, अभी लास्ट में यहाँ पर डोज कॉइन का कोई ऑर्डर नहीं है, और वॉलेट में भी आप देख सकते हैं डोज कॉइन है नहीं। वॉलेट को हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू करके। तो जो हम बाय करेंगे डोज कॉइन वो यहाँ पर वॉलेट में भी आ जाएगा और वहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको मिनिमम ऑर्डर 10 USDT का लगाना है, जो कि बाइनेंस की मिनिमम ट्रेड का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना रहेगा। तो मार्केट ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ क्वांटिटी देनी है। क्वांटिटी हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ बाय लिखना है अपर केस में। जैसे ही हम बाय लिखते हैं तो यहाँ पर आपको बाय डन लिख कर आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोज कॉइन हमारे होल्डिंग में भी आ गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाइनेंस वॉलेट में भी यहाँ पर ये डोज कॉइन 100 लिखा रहा है, और ऑर्डर बुक में भी आप चेक कर सकते हैं डोज USDT बाय 100 कॉइन। तो ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर। अब हम यहाँ पर ओपन ऑर्डर क्लिक कर लेते हैं, और हम ट्राई करते हैं BTT का एक ऑर्डर डालते हैं, BTT USDT, और इस बार हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर के लिए आपको लिमिट प्राइस देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं 004198 चल रही है, तो हम इससे कम प्राइस देते हैं, 0038 लिमिट प्राइस दे देते हैं। क्वांटिटी हम 5000 ले लेते हैं, बाय लिखते हैं। यहाँ पर ओपन ऑर्डर में आपको दिखा रहा है BTT USDT, जो हमने प्राइस डाली थी वो यहाँ पर आ गई है लिमिट प्राइस। चलो इस ऑर्डर को हम कैंसिल कर देते हैं। हाँ, कैंसिल करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग में यहाँ पर USDT अभी बाय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी लॉक्ड हो गया है। जब बाय होगा तो यहाँ से USDT लॉक में से कट जाएगा, और यहाँ पर आपका BTT आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये जो लॉक में 19 दिखा रहा है वो यहाँ पर फ्री में ऐड हो जाएगा कैंसिल। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी हमारे पास डोज कॉइन पड़े हैं। तो चलो इसके हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं। तो डोज कॉइन का स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए हम ओसीओ ऑर्डर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ऑर्डर टाइप में ओसीओ ले लेते हैं। तो ओसीओ ऑर्डर में सबसे पहले आपको ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस देना है। यहाँ पर अभी प्राइस 0.24 चल रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस 0.22 ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस प्राइस भी 0.22 ले लेते हैं। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और टारगेट के लिए हम 0.28 ले लेते हैं, और क्वांटिटी तो हमारी यहाँ पर आपको दिख रही है 100, वही हम यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल,
तो जैसे ही हम यहाँ पर सेल लिखते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओपन ऑर्डर में दो दिखा रहे हैं, एक तो है हमारा टारगेट वाला 28 वाला और दूसरा है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। आप OCO में बाय भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। BTT के अंदर एक OCO ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर BTT का प्राइस चल रहा है 0041 USDT। अब OCO में बाय में ये जो टारगेट है आएगा वो तो आएगा नहीं, क्योंकि बाय करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम कम प्राइस डालेंगे, जो अभी लास्ट प्राइस चल रहा है उससे। यहाँ पर हम दे देते हैं 0.0039। स्टॉप लॉस प्राइस और ट्रिगर प्राइस में हम डाल देते हैं 0.0045 और 0.0045। तो अब यहाँ पर हम बाय करते हैं। सॉरी, क्वांटिटी तो हम एंटर करना भूल गए। तो बिना क्वांटिटी के आप ऑर्डर बाय करेंगे तो ऑर्डर प्लेस होगा ही नहीं। क्वांटिटी हम यहाँ पर 4500 दे देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर अभी देख सकते हैं ओपन ऑर्डर 4 आ गया BTT USDT। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑर्डर प्लेस हो गए। एक तो हमारा ये 0.0045 वाला और दूसरा है कम प्राइस में 39 वाला। तो ये सभी ऑर्डर हम कैंसिल कर देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर Dogecoin 100 है, उसे हम मार्केट प्राइस पर सेल कैसे करें। तो यहाँ पर पहले से ही हमने सिलेक्ट करके रखा ही है Doge USDT और मार्केट, और क्वांटिटी भी हमने 100 यहाँ पर रखी है। तो हम सिर्फ यहाँ पर सेल लिखेंगे तो सेल हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल हो गया है, और वॉलेट में से यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो नया वॉलेट हमें दिखने को मिलेगा। अभी देख सकते हैं सेल हो गया है यहाँ पर, और ऑर्डर बुक में भी आप देख पा रहे हैं सेल हो गया है। और वॉलेट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं USDT और BNB है, Dogecoin हमारा सेल हो गया है। तो इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वॉलेट शीट में आपको सारा डेटा दिखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर एक और सीट है जिसका नाम है ब्रेकआउट। यहाँ से आप हाई का ब्रेकआउट का स्कैनर बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लाइव डेटा आ रहा है वहाँ से हम हाई को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर बी कॉलम में हम पेस्ट कर देते हैं पेस्ट वैल्यू। अब आप यहाँ पर ब्रेकआउट में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी पेयर में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 2-3 मिनट आप इंतजार करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी पेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पेयर के अंदर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। BNT BTC इसके अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो पिछले 24 आवर्स के अंदर जो भी हाई ब्रेकआउट हुआ है वही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो ये कैंडल है वो 1 आवर की है, हम इसको 15 मिनट का कर देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इसने हाई ब्रेकआउट किया है पिछले 24 आवर का जो हाई है उसको। उसके बाद नेक्स्ट AST BTC देख लेते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पर भी हाई ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद XEM BTC, यहाँ पर भी ये पिछला जो 24 आवर का आई था वो ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्कैनर की मदद से आप जितने भी पेयर में ब्रेकआउट आया है वो आप देख पाएंगे, और उसका यहाँ पर बाय और सेल ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ही बाय हुआ तो बाय डन लिख कर आया है। समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने क्वान्टिटी पॉइंट में एंटर की है BTT के अंदर। कई पेयर ऐसी भी होगी जिसमें आप पॉइंट में क्वांटिटी एंटर कर पाएंगे, जैसे कि इथेरियम है, बिटकॉइन है, उसके अंदर आप 0.00 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम क्वांटिटी जो बाइनेंस ने तय किया है वो आपको कंपलसरी यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर बाय डन लिख के आया है
से आप डिलीट करेंगे तो एक और बार ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो उससे पहले आपको यहाँ पर जो बाई लिखा है, बाई सेल, इन सब को आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद ही यहाँ पर ये जो रिमार्क है बाई और सेल, उसको आपको डिलीट कर देना है। और जो ये पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर कितनी रो तक बाई और सेल, यानी कि यहाँ पर कितनी रो तक बाई और सेल का डेटा रीड करेगा, वो रो का आपको फिगर देना पड़ेगा पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पाइथन फाइल है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिट विथ IDLE। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पाइथन का कोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका API की और API सीक्रेट आपको दे देना है। जैसे ये API की है वो मेरा है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। API सीक्रेट आपको इस इनवर्टेड कोमा के अंदर आपको API की और API सीक्रेट आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बाई सेल नंबर ऑफ रो रीड, यानी कि यहाँ पर हमने 50 डाला है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से 50 रो तक ये बाई और सेल लेगा। अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, अगर आपको उससे भी ज़्यादा रो चाहिए तो आपको यहाँ पर 100 या फिर 200 लिख देना है और उसके बाद फाइल को सेव कर देना है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर API की और API सीक्रेट दे देना है। तो API की और API सीक्रेट कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको binance.com पे लॉगिन कर लेना है। तो Binance की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर के बाजू में आपको प्रोफाइल का एक आइकॉन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको API मैनेजमेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो API अभी बनाया था वो आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक नया API बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेम दे देना है, जैसे कि test123 दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको क्रिएट API पर क्लिक कर देना है। आपको फ़ोन वेरिफिकेशन और ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों करने हैं, उसके बाद ही यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर API की और API सीक्रेट देखने को मिलेगा। ये सीक्रेट की आपको यहाँ पर एक ही बार देखने को मिलेगी, इसको आप जैसे ही क्लोज कर देंगे तो दूसरी बार आपको यहाँ पर API की दिखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये API है वो उसको डिलीट करके एक नया API बनाना पड़ेगा अगर ये आपसे डिलीट हो गई है तो। तो यहाँ पर इनको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं API की, और API सीक्रेट को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर अनेबल रीडिंग है, अनेबल स्पॉट मार्जिन एंड रीडिंग है। तो यहाँ पर एडिट रिस्ट्रिक्शन में जाकर आपको अनेबल स्पॉट को चेक कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है। उसके लिए भी आपको फ़ोन वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनेबल स्पॉट भी टिक मार्क हो गया है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, हम दोबारा इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा API सीक्रेट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इसे डिलीट करके एक नया API बनाना पड़ेगा और फिर दूसरी बार आपको API की और API सीक्रेट पाइथन फाइल में सेव करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको यहाँ पर कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट नहीं करनी है, जो भी यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से रखा है। उसके बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो लाइव शीट से डेटा आ रहा है वो भी आप यहाँ पर वी लुकअप से ला सकते हैं। जैसे मैंने ये लास्ट प्राइस का डेटा वी लुकअप से ये लाइव शीट से ले लिया है, वैसे आप दूसरा भी डेटा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इथेरियम BTC में 3% का अप मूव आया है और जो यहाँ पर माइनस दिख रहा है मतलब कि -1% हुआ है। तो इन डेटा को हम यहाँ पर बाय और सेल में कैसे लाएं, तो उसके लिए आपको वी लुकअप और जिस सिंबल का आपको परसेंटेज चेंज चाहिए उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर कोमा एंटर करके ये पूरा लाइव शीट आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और फिर वापस से कोमा करके जो लाइव जो परसेंटेज वाला जो कॉलम है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं और फिर कोमा करके 0 लिख देते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.9 या 0.7% का चेंज आ रहा है। यहाँ पर जो हमने लाइव शीट को सिलेक्ट किया था वहाँ पर हम F4 करके डॉलर का साइन ले लेते हैं, यानी कि हम इसको लॉक कर देते हैं। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे खींचते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी सिंबल नेम नहीं डाला है। जैसे यहाँ पर हम एक सिंबल नेम डाल देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डेटा भी आ रहा है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज। इस प्रकार से आप बहुत सारे कॉलम का डेटा यहाँ पर ला सकते हैं, और उस हिसाब से आप बाय और सेल भी यहाँ पर इफ फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ, ये जो डोज कॉइन है, अगर समझ लीजिए कि आपको डोज कॉइन में ऑर्डर प्लेस करना है, अगर ये परसेंटेज चेंज 2% से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इफ, फिर ये जो परसेंटेज चेंज हमको दिख रहा है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, मोर देन 1 देन कोमा करके इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम अपर केस में बाय लिख देंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, और उसके बाद कोमा करके इन्वर्टेड कोमा दो बार लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं बाय लिख कर नहीं आया, जब तक ये 1% से अप नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर बाय लिख कर नहीं आएगा। आप यहाँ पर 2% या 5% ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 0.6% है, तो हम यहाँ पर 5% की जगह पे 0.5% कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बाय और बाय डन भी हो गया। और हमारा वॉलेट में भी आपको दिख रहा है डोज कॉइन आ गया। इस प्रकार आप यहाँ पर वॉल्यूम ला सकते हैं, लास्ट प्राइस ला सकते हैं, परसेंटेज चेंज ला सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर आस्क प्राइस, क्वांटिटी, वेटेड एवरेज प्राइस, प्रीवियस क्लोज प्राइस, ये सारी चीज़ वी लुकअप की मदद से आप यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे की कॉलम को आपको डिलीट या इंसर्ट नहीं करना है कोई भी, वरना ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना, और अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको और भी कोई स्ट्रेटेजी ऐड करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना सकूँ।